हमारे भारतवर्ष में गुरु की बहुत बड़ी महत्वता प्रकट की गई है। कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म है, निर्माता है, गुरु विष्णु है, अवतरित होता है, और गुरु महेश है जो अज्ञानता का नाश करता है। गुरु इज वेरली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रह्म द क्रिएटर। ही इज द वन हु इनकार्नेट्स, ही सस्टेन्स द नॉलेज एंड ही डिस्ट्रॉयज द वीट्स ऑफ द इग्नोरेंस, अज्ञानता के बीच अज्ञानता के कारकों का नाश करता है। गुरु शब्द जो है दो चीजों से बना है, गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश, चेतना। जो अंधकार से प्रकाश की ओर खींच लाए वो गुरु है। एंड दिस वर्ड गुरु इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जुपिटर, बृहस्पति से बना है, विशाल है, भव्य है, और आपकी सारी अज्ञानता पर चढ़ बैठता है, विराजमान होता है और सारी अज्ञानता का नाश करता है। और जब अज्ञानता खत्म होती है तो केवल ज्ञान बचता है, अंधकार हटता है, केवल प्रकाश बचता है। अज्ञान तिमिरांधासय ज्ञान अंजन सलाक्य चक्षुः उन्मीलितं येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता को हटाता है, अज्ञान तिमिरांधासय ज्ञान अंजन सलाक्य। गुरु गीता में कह रहा है कि ज्ञान का अंजन करता है, ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत नैन उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत है और वो अनंत उपकार करता है, ऐसे अनंत उपकार करता है कि आपके जितने हमारे अंदर अनंत नेत्र हैं, जीवन के कई पहलू हैं, और उन पहलुओं को प्रकट करता है आप पर। अनंत नैन उघाड़िया, अनंत दिखावनहार, उस विराट का, उस भव का आपको दर्शन कराता है। एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार एक राजा था और उसके दो बेटे थे। राजा बहुत बूढ़ा हो चला और उसके मन में चिंता थी कि मेरे बाद कौन मेरे राज सिंहासन पर विराजमान होगा। राजा के दो बेटे थे। राजा ने अपने दरबार में जो ज्ञानी था उससे पूछा कि ज्ञानी क्या करें, दोनों में से किसको राजा बनाया जाए। ज्ञानी ने कहा, महाराज बहुत छोटी सी बात है, दोनों की परीक्षा ले लीजिए और जो परीक्षा में पास हो जाए उसी को राजा बना दें। तो राजा ने कहा, कैसी परीक्षा? ज्ञानी ने कहा, महाराज दोनों के अलग अलग राजमहल हैं, अलग अलग कक्ष हैं, दोनों से कह दीजिए भर दो और जो भर देगा उसको राजा बना देंगे। दोनों को बुलाया गया और दोनों राजकुमारों से राजा ने कहा, बेटा आपको 24 घंटे की मोहलत दी जाती है, आपके अपने कक्ष हैं और जो भर देगा अपने कक्ष को उसको राजा बना देंगे, ये परीक्षा है। उनको थोड़े से पैसे दिए गए और वो परीक्षा के लिए 24 घंटे का अवसर दिया गया। दोनों राजकुमार चल दिए और दोनों के मन में जिज्ञासा थी, इच्छा थी कि वो राजा बने। पहला वाला राजकुमार चिंतित था, व्याकुल था, अपनी छत की मुंडेर पर घूम रहा था और घूमते हुए उसने दूर देखा कि बड़ा कूड़ा करकट का ढेर अंबार लगा हुआ है, मैला, काफी सारी गंदगी का पहाड़ जैसा बना हुआ है। उसने कहा, इसी कूड़े करकट से ना भर दूं, इसी से भर देता हूं। उसने दो मजदूर बुलवाए और जो थोड़ा पैसा उसको मिला था परीक्षा पास करने के लिए उसने उनको दिया और कहा कि ये जो सामने दूर पे कूड़ा करकट का ढेर है उसको उठा उठा के मेरे कक्ष में डाल दो। दोनों मजदूर गए और उन्होंने ट्रॉली में भर भर के कूड़ा करकट ला के राजा के उस राजकुमार के कक्ष में भर दिया, पूरा कक्ष भर दिया। जब सारा कक्ष भर गया वो चले गए। दूसरा वाला राजकुमार, उस बालक के मन में भी चिंता थी कि मैं भी राजा बनूं। वो अपने गुरुदेव के पास गया, उसको गुरुजी स्मरण हुए, वो अपने गुरुजी के पास गया। उसने कहा, गुरुजी ऐसी समस्या आन पड़ी है और ऐसी परीक्षा है, मुझे पास करनी है और मुझे भी राजा बनना है। तो गुरुदेव ने उसका चेहरा देखा, सारी बातें सुनी और एक शब्द कहा, आंखें खोलकर देखेगा तो प्रकाश नजर आएगा। उस बालक को
उस राजकुमार को बात समझ में आ गई, आंखें खोलकर देखेगा तो प्रकाश नजर आएगा। अज्ञान तिमिरांधा से ज्ञान अंजन शलाक्य, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत नैनो घाड़िया, अनंत दिखावनहार। उसकी आंखें खुल गईं, वो घर आया, उसने द्वार बंद कर लिए। 24 घंटे बीत गए, अब सारा राजतंत्र बहुत जिज्ञासु था, अब क्या होगा, कौन राजा बनेगा, सब व्याकुल थे, सब जिज्ञासु थे। और बड़े वाले राजकुमार के पास पहुंचे, सारा दरबार, ज्ञानी संतरी तंत्री सब पहुंचे, और बड़े वाले राजकुमार के द्वार पे दस्तक दी, खटखटाया, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कूड़े के साथ बाहर आ गया। लोगों ने कहा, ये क्या कर दिया, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं। लोगों ने कहा, क्या कर दिया। उसने कहा, आप ही लोगों ने तो कहा था भर दो, सो मैं भर दिया। लोगों ने कहा, बात तो सत्य है, भरने के लिए कहा था तो भर दिया, बदबू ही बदबू, गंदगी ही गंदगी। चलो भाई, दूसरे वाले राजकुमार के पास सब लोग पहुंचे, उसका द्वार भी खटखटाया, देखें इसने क्या किया है। उसने बड़ी मुश्किल से द्वार खोला, जब उसने द्वार खोला तो सब झांक झांक के देखने लग गए कि क्या किया है। लोगों ने देखा तो वो खाली। राजा ने कहा, बेटा क्यों नहीं भरा, तुझे मोहलत दी गई, 24 घंटे दिए, पैसे भी दिए, भरना चाहिए था। उसने एक ही बात कही, आंखें खोलकर देखोगे तो प्रकाश नजर आएगा। उसने जो पैसे मिले थे उनसे दिए खरीद लिए और पूरे कमरे में दिए जला दिए और सारा कक्ष प्रकाश से भर गया। न केवल कमरे में भरा था, न केवल कक्ष में भरा था, बल्कि खिड़कियों से, झरोकों से भी बाहर जा रहा था और सारा कक्ष प्रकाश से प्रकाशवान हो रहा था। अज्ञान तिमिरांधा से ज्ञान अंजन शलाक्य, यह तन विस्की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यही गुरु है जो आपके सारे अंधकार को हटाता है और ज्ञान आप पर संचारित करता है, प्रकाशित करता है। हम सब इस तरीके से कूड़ा करकट से भरे हैं, और जब सतगुरु का, जब गुरु का उस प्रकाश का हमारे जीवन में आगमन होता है, हमारे जीवन में चमत्कार घटित होता है, हमारा जीवन प्रकाश का पुंज बनता है। गुरु की बहुत आवश्यकता है, आइए हम उस परम गुरु का सानिध्य प्राप्त करें।